अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हदीजा शकील फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सुपीरियर कॉलेज वज़ीराबाद, एफिलिएटेड विद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आई एम हेयर टू टीच यू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। दिस कोर्स इज़ रिकमेंडेड फॉर BScS एंड MCS स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टेक्स्ट एंड रेफरेंस मटीरियल। These are the four books we will follow for this course: An Introduction to Formal Language and Automata by Peter Lane's Fourth Edition, Theory of Automata, Formal Language and Computation by S.P. Eugene and Cavier, 2005. Third one is John Hapkoff and Jeffrey Ullman, Introduction to Automata Theory, Language and Computation, Second Edition. Fourth one is Introduction to Language and Theory of Computation by J.C. Martin McGraw-Hill book, Second Edition. This is the lecture number 1 and these are the table of contents we will discuss in lecture number 1. First of all is what does automata means, why we study it, introduction to finite automata, structural representation, automata and complexity, language types and language definitions. What does automata means? Automata word ka kya matlab hai? ऑटोमेटा से आपको क्या समझ आती है? ऑटोमेटा मतलब है कि कोई एक ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली वर्किंग परफॉर्म करती है। जो ऑटोमेटम वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है, इट मींस कि समथिंग डैट वर्क ऑटोमेटिकली, कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली वर्किंग परफॉर्म कर रही हो। स्पेशली इसमें मशीन्स आ जाती हैं, कोई ऐसी मशीन जिसको हमने अपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी हैं और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने वर्किंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो अपने इंस्ट्रक्शन को अपने किसी भी चीज़ को जो है वो प्रोसेस करती रहेगी। अब एक ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो खुद ही काम करती है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड होती है। फॉर एग्जांपल इसमें कंप्यूटर्स हमारे आ जाते हैं, एटीएम मशीन्स आ जाती हैं या कोई भी ऐसी मशीन जिसको हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसने वर्किंग को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब मशीन की हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि मशीन किस तरह के काम को परफॉर्म कर सकती है, यानी कोई ना कोई काम तो जो है ना उसके लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। जिस तरह से एटीएम है तो एटीएम स्पेसिफिक काम को जो है वो परफॉर्म करती है और उसकी स्पेसिफिसिटी का हमें किस तरह से पता चलेगा, हमें उसकी इनपुट और आउटपुट से पता चलेगा कि कोई भी मशीन जो है वो कौन सी वर्किंग परफॉर्म कर रही है। तो ये मैटर करता है कि उसकी इनपुट क्या है और उसकी आउटपुट क्या है, रेदर देन के मशीन प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म करती है। हम ये देखेंगे कि एटीएम में जिस तरह से हमें एक कार्ड की जरूरत होती है एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है जी, और कोई भी मशीन जो है वो हमें उसकी फोकस करना पड़ेगा कि क्या ये मशीन की इनपुट आउटपुट क्या होंगी और ये किस पर्पज़ के लिए जो है वो बनाई गई है, ठीक है, और हम उस मशीन को उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो सेल्फ कंट्रोल या ऑटोमेटिकली वर्किंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि ऑटोमेटिकली का क्या पर्पस है। अब क्वेश्चन है कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर जो है वो किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। ये आप सबको भी पता है कि कंप्यूटर जो है वो की वर्किंग परफॉर्म करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको इनपुट देनी पड़ती है, देन कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसर्स को यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, देन हमें आउटपुट के फॉर्म में डाटा को या इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कंप्यूटर जो है वो कैसे वर्किंग को परफॉर्म करता है वहाँ पर। ये तो हार्डवेयर को अगर हम देखा जाए तो हार्डवेयर की ज़्यादा अच्छी डिटेल तो फिज़िक्स के स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वही चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से सेमीकंडक्टर वर्क करते हैं, कंडक्टर वर्क करते हैं, कनेक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस तरह से सारी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बेसिकली मुश्किल है। तो जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये हमें इस चीज़ को अलाउ करता है कि हम मशीन को सिस्टमेटिकली समझें, सिस्टमेटिकली सोचें कि किस तरह से ये सिस्टमेटिकली वर्किंग परफॉर्म करती है, सिस्टम एक्चुअली क्या चीज़ है, विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल। हमें हार्डवेयर की डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो ये पता नहीं करना है कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, सेमीकंडक्टर कनेक्शन वगैरह ये किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करते हैं। हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है इस कोर्स के अंदर कि मशीन जो है वो एक्चुअली उसका सिस्टम कैसा है, उसके बारे में हमने जो है वो लर्न करना है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई स्टडी ऑटोमेटा थ्योरी,
पहली बात तो ये होगी कि हमें ये सब्जेक्ट जो है ये इस चीज़ को अलो कर रहा है कि हम मशीन को सिस्टमेटिकली सोचें उसके बारे में विदाउट गोइंग टू हार्डवेयर डिटेल। हमें ज़्यादा मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पता है कि जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज के ऊपर किस लैंग्वेज को फॉलो करता है। कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करता है, इससे किसी भी और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों हमें जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि जीरोस एंड वन के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, किसी और लैंग्वेज में तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो अब इसकी वजह ये है कि हमने स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर को इस चीज़ इस लैंग्वेज के बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिफ़ाइन करके बता दिया है और उसको इसके अकॉर्डिंग भी इंस्ट्रक्शन दी है जिसके अकॉर्डिंग अब वो परफॉर्मिंग करता है। ठीक है, तो मशीन हमारी जो है वो काम करती है डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। हमने ऑलरेडी उसको डिफाइंड करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दी है और उनके अकॉर्डिंगली उसने वर्किंग को परफॉर्म करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। सी होगी, सी शार्प होगी, पाइथन होगी, पीएचपी होगी, जावा होगी, ये सारी जो है ना वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, अब इस कोर्स के अंदर हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस क्या चीज़ है और लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली लैंग्वेजेस क्या चीज़ें हैं और इनकी कंप्यूटेशन जो है वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इसके साथ डिज़ाइनिंग ऑफ थियोरेटिकल मॉडल एंड एब्स्ट्रैक्ट मशीन फॉर मशीन्स। अब जो जब हम बात करते हैं मशीन को सिस्टमेटिकली व्यू करने की, तो अब उससे रिलेटेड जो है वो अब एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो वो बनाई गई है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन के थ्रू हमें ये अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी कि मशीन किस तरह से सिस्टमेटिकली वर्किंग परफॉर्म करती है। अब उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाई गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो है वो क्या है, ये थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। थ्योरेटिकल मॉडल्स क्या काम परफॉर्म करते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन, इसमें हम मशीन्स को जो है वो डिफरेंट ये समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन को हमने डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट मशीन ये है कि हमने मशीन को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है और हर स्टेट के कोई ना कोई डिफरेंट टास्क हैं, कोई ना कोई डिफरेंट जो है वो काम उसने परफॉर्म करने हैं। देन उसने नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाना है। जब फर्स्ट वाली स्टेट के टास्क परफॉर्म हो गया है, देन उसने सेकेंड वाली स्टेट पर जाना है। देन जब सेकेंड स्टेट का टास्क परफॉर्म हो गया तो वो थर्ड वाली स्टेट पर जाएगी। यानी सिस्टमेटिकली मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसको जो थ्योरेटिकल मॉडल्स बना दिए या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बना दिए। अब यहाँ से हम ये आइडिया लगा लेंगे कि ये किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रही है। ठीक हो गया, अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि वाई स्टडी ऑटोमेटा थ्योरी। नेक्स्ट है जी कि आपकी ये कोर्स है वो कोर्स रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल कोर्स है, ये कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। आप हर स्टूडेंट को इसको जो है ना रीड करना ही करना है, इसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। In an area of computer science that deal with the study of abstract machine, mathematical model as well as the computational problem that can be solved using them. यानी computer science की एक ऐसा area है जो abstract machines को study करता है। abstract machine के बारे में हम discuss कर चुके हैं कि हमने इसको different machine को different states में divide कर दिया। हर स्टेट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ टास्क हैं। जब वो उन टास्क को परफॉर्म कर लेगा तो ही वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जा सकता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर नहीं जा सकेगा। ठीक है, स्टेट बाय स्टेट या फिर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट मशीन को स्टेट बाय स्टेट जो है वो वर्किंग परफॉर्म करवानी है, एज वेल एज ए कम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब इसके अंदर कम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर कम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। ओके, ये तो होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन छोटी सी। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ और नेम भी हैं, जिस तरह से इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कहते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहते हैं और कंप्यूटर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है जी, ये तो हल्की फुल्की इसकी डिटेल होगी, डेफिनेशन होगी और बेसिक चीज़ें होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा।
थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये यूज़फुल मॉडल है फॉर इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों ही चीज़ों के लिए, हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि हमें हार्डवेयर की डिटेल में तो जाना नहीं है। सो हम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले है डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स में किस तरह से ये यूज़फुल है, सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर डिज़ाइनिंग एंड चेकिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं। यानी हमने जब सॉफ्टवेयर को बनाना होगा किसी भी डिजिटल सर्किट के बिहेवियर को चेक करने के लिए या उनके डिज़ाइनिंग को चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, हम इस सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेक्सिकल एनालाइज़र। लेक्सिकल एनालाइज़र आपको पता है कि ये कंपाइलर का जो है वो एक पार्ट है जो कंपोनेंट्स को ब्रेक करता है लॉजिकल यूनिट्स में, जिस तरह से आइडेंटिफायर्स हो गए, पंचुएशन होगी, कीवर्ड्स हो गए। लेक्सिकल एनालाइज़र का ये टास्क होता है कि इसने सबको जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है और उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि जब भी उसके पास कोई स्ट्रिंग आती है तो उसमें से आइडेंटिफायर्स को वो रीड कर लेगा, पंचुएशन को सेपरेट कर देगा, कीवर्ड्स को सेपरेट कर देगा, न्यूमरल्स को सेपरेट कर देगा, इन सब चीज़ों को उसने सेपरेट करते जाना है। तो ये सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो हेल्पफुल है, यहाँ पे यूज़ की जा रही होती है। उसके बाद यदि स्कैनिंग लार्ज बॉडीज ऑफ टेक्स्ट फॉर एग्जांपल वेब पेजेस। अब अगर हमने लार्ज बॉडीज ऑफ टेक्स्ट को स्कोर करना है, स्कैन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी वेब पेज में से कोई वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं, किसी को फाइंड करना चाह रहे हैं और या पैटर्न्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वहाँ भी हेल्प करने के लिए हमें ये जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अवेलेबल है, यही वर्किंग परफॉर्म करना होता है किसी भी लार्ज बॉडीज को बॉडी टेक्स्ट को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है फॉर वेरीफाइंग द सिस्टम्स ऑफ फाइनाइट स्टेट। फॉर एग्जांपल जी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी आपको पता है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो कुछ कुछ डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं जब कम्युनिकेशन जब नेटवर्क की बात की जाए तो, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में भी ये यूज़फुल है कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को चेक करने के लिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में भी इसी तरह से होता है कि हमने एक चेकलिस्ट जो है वो बनाई होती है कि एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल तक इंफॉर्मेशन जब पहुंच रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो क्या वो उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम जब कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन जब वो सिक्योर वे में ट्रांसफ़र की जा रही है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने के लिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मौजूद है। ठीक है, ओके जी, अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल पर आते हैं। अ फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडलिंग ऑन ऑफ स्विच। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें एक स्विच की जो कि ऑन और ऑफ ही हो सकता है, आपको पता है कि एक स्विच की दो ही स्टेट हैं, जस्ट एक या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। अब इस सारे प्रोसेस को जो हमने पीछे लास्ट में पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट मशीन में हमने ये देखा था कि अगर हमने किसी भी चीज़ को मशीन को अंडरस्टैंड करना हो तो हम उसको स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ये छोटी सी एग्जांपल लें किसी भी स्विच की जिसकी दो ही स्टेट हो सकती हैं, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर लिया सिस्टमेटिकली व्यू करने के लिए, हमने इसको डिवाइड कर लिया और दो स्टेट्स में हमने डिवाइड कर लिया, दो ही इसके स्टेट हैं, एक या तो ये ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। तो स्टार्टिंग स्टेट जो है उसकी क्या है, ऑफ की स्टेट है। जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजैक्शन से, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर हमने इसको पुश का एक्शन परफॉर्म किया है, तो पुश का एक्शन जब ऑफ स्टेट के ऊपर परफॉर्म किया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज होने के बाद इस वक्त वो स्विच जो है वो ऑन स्टेट के ऊपर है। ठीक है जी, ऑन स्टेट के ऊपर है। अब अगेन जब हम इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, पुश का अगेन एक्शन परफॉर्म किया तो इसकी स्टेट ऑन से ऑफ में चली गई। ठीक है, ये इस तरह से ये टू स्टेट के ऊपर मशीन ये वर्क कर रही है स्विच के लिए। जब तक हम इसको कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे ये दूसरी स्टेट के ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल है ऑटोमेटन मॉडलिंग के लिए फॉर ऑन ऑफ स्विच। ओके, सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि अ फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल रिकग्निशन ऑफ देन। एक वर्ड है THEN देन, अब उसकी हमने एक मॉडल के थ्रू जो है वो थ्योरेटिकल मॉडल के थ्रू रिकग्निशन करनी है, तो हम इन स्टेट्स को यूज़ करते हुए, एब्स्ट्रैक्ट मशीन को यूज़ करते हुए, स्टेट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से THEN वर्ड की रिकग्निशन कर सकते हैं।
इसके लिए रिकग्निशन करने के लिए, क्योंकि ये टोटल वर्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4 वर्ड्स हैं, तो इस मशीन की स्टेट को हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। मेरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी एक स्टार्टिंग स्टेट होती है और एक इसकी एंडिंग स्टेट होती है। स्टार्टिंग स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो होता है और यहाँ पर स्टेट होती है, और एंडिंग स्टेट को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब देन वर्ड की रिकग्निशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई हर स्टेट के लिए इनपुट होनी चाहिए। तो स्टार्ट स्टेट जब आ गई, इसमें कुछ कोई भी इनपुट नहीं है। स्टार्ट स्टेट के बाद फर्स्ट इनपुट THEN के लिए टी लेटर है, टी लेटर इसको इनपुट मिला तो वो नेक्स्ट स्टेट पर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेट के पास क्या है, जस्ट टी लेटर है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए उसे इनपुट मिलती है H की, देन ये स्टेट क्या बन जाती है, स्टेट में आ गया टी पहले वाला, पहली स्टेट का, और सेकेंड स्टेट का, नेक्स्ट वाली स्टेट का एच आ गया। देन ई फाइंड आउट करने के लिए हमें ई इनपुट देना पड़ेगा, और ये हमारे पास स्टेट में आ गई THE। देन एन हमें इसको इनपुट देते हैं, तो टोटल वर्ड जो बन गया वो THEN का वर्ड बन गया। अब THEN हमें फाइनली जो है वो गेन हो गया है, और इस तरह से हम मॉडलिंग जो है वो कर सकते हैं ऑटोमेटा के को यूज़ करते हुए, हम थ्योरेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए रिकग्निशन ऑफ THEN कर सकते हैं। अब इस तरह से कोई भी वर्ड लेकर उसके एग्जांपल, उसको एज एन एग्जांपल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसको डिफरेंट जो है वो एक एक लेटर को इनपुट लेते हुए हम फाइनली जो है वो उस लेटर की रिकग्निशन तक पहुँच सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ग्रामर आती है और सेकंड वन रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, ठीक है। ग्रामर क्या चीज़ है, ग्रामर ये चीज़ है कि हमें इसके अंदर यूज़फुल ये मॉडल होता है, जब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हमने डाटा को प्रोसेस करना है विद रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशंस हो गए, अरिथमेटिक या कंडीशनल या सो ऑन, कुछ भी हो गए, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आती है पार्सर की। पार्सर जो है वो एक कंपोनेंट है कंपाइलर का, जो डील करता है विद दी रिकर्सिवली फीचर्स को, रिकर्सिवली नेस्टेड फीचर्स के साथ ये डील करता है ऑफ टिपिकली प्रोग्रामिंग। जब हम प्रोग्रामिंग को के साथ डील कर रहे होते हैं और पार्सर को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये एक एक्चुअली कंपोनेंट्स है कंपाइलर का। कंपाइलर का काम आपको पता है, इसका काम क्या होता है, इसने जो है वो कंपाइलेशन परफॉर्म करनी होती है और सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है पार्सर। मैं दोबारा बता देती हूँ, पार्सर जो है वो डील करता है विद रिकर्सिवली नेस्टेड फीचर्स ऑफ टिपिकली प्रोग्रामिंग, ठीक है। टिपिकली प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हुए जब हमें पार्सर को डील करना पड़ता है रिकर्सिवली फीचर्स के साथ, उस वक्त हमें यहाँ पर ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन के अंदर प्लस करें तो उसका रिजल्ट भी एक्सप्रेशन ही निकलेगा। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन ये एक्चुअली होते हैं पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, जो बिल्कुल जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह होती हैं, जिसके स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूजिंग ऑफ ग्रामर्स। हमारे पास सामने एक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है एक स्ट्रिंग, एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें है कैपिटल ए टू कैपिटल जी एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जी स्टाइलिक देन स्पेस देन ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट कैपिटल ए टू कैपिटल जी एंड कैपिटल ए टू कैपिटल जी। अब इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जिसमें ए टू कैपिटल जी से इट मीन्स के कैपिटल ए से लेकर जी तक जो है वो कोई भी अल्फ़ाबेट को, कोई किसी भी करेक्टर को, किसी भी अल्फ़ाबेट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद स्मॉल ए टू जी मीन स्मॉल ए टू जी में से किसी भी एक करेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट वन में और सेकेंड वन में डिफरेंस ये है कि अगर फर्स्ट वन की बात की जाए तो इसके बाद में स्टैरिक नहीं है, इट मीन्स कि इस पूरे में से हम जस्ट एक लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी एक्सप्रेशन के बाहर स्टैरिक आ जाए तो इट मीन्स कि आप इसमें से इस एक्सप्रेशन में से कुछ भी ना भी सिलेक्ट करें, नहीं भी सिलेक्ट कर सकते, या फिर मल्टीपल टाइम इसमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अगर कोई भी जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कोई भी स्ट्रिंग जो जनरेट कर सकते हैं जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी,
ठीक है, यानी ए टू जी. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कैपिटल ए सिलेक्ट करते हैं, देन आप बी सिलेक्ट कर लेते हैं, या मल्टीपल टाइम जो है ना कोई भी इनमें से करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, देन स्पेस आ जाएगी और देन उसके बाद कैपिटल लेटर और देन फिर कैपिटल लेटर. ठीक है जी. उसके बाद सेकेंड इसका एक्सप्रेशन है कैपिटल ए टू कैपिटल जी जी. सिमिलरली इसके भी ऐसी होगी, सिलेक्शन होगी तो कैपिटल लेटर्स में से होगी और देन स्मॉल ए टू जी में से सिलेक्शन होगी. और इसमें इस टाइप का मतलब है कि इस स्मॉल ए टू जी में से आप कोई भी करेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं. देन स्पेस आ रही है, स्पेस के बाद अगेन इन इस ब्रैकेट के अंदर इस टाइप का, इट मीन्स कि आप अगेन इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन में से सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई नहीं भी सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टाइम सिलेक्शन कर सकते हैं. उसके बाद में स्पेस और अगेन कैपिटल ए टू कैपिटल जी, टू टाइम आप सिलेक्शन कर सकते हैं. ठीक है जी. आई थिंक सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ऑटोमेटा एंड कम्प्लेक्सिटी. ऑटोमेटा एंड कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर टू जो है वो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं कम्प्यूटेशन से रिलेटेड, जिनमें हमें ये इसकी लिमिटेशंस हैं ऑटोमेटा की. सब फर्स्ट वन है कि डिसाइडेबिलिटी एंड सेकंड है इनट्रेसिबिलिटी. डिसाइडेबिलिटी की बात की जाए तो इट मींस कि व्हाट कंप्यूटर कैन डू एट ऑल, कि कंप्यूटर टोटली जो है जो मशीन है या टोटल है वो इस वक्त क्या कर सकता है. डिसाइडेबिलिटी और डिसाइडेबल मींस कि प्रॉब्लम जो है वो कैन बी सॉल्वेबल है कि नहीं है. क्या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चेक करना है कि कंप्यूटर जो है वो ये काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता. सेकेंड पे हमने इसमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है वो सॉल्वेबल भी है कि नहीं है, क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सेकेंड इसकी जो है वो लिमिटेशन में आ जाती है इनफेसिबिलिटी. इनफेसिबिलिटी मीन्स व्हाट कैन डू एफिशिएंटली, यानी आप जो है इस सिस्टम के साथ इस मशीन के साथ क्या जो है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. तो क्या जो है कोई कोई भी जो टास्क है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो भी सकता है कि नहीं, फेसेबल भी है या नहीं है. ये टू इम्पॉर्टेंट जो है वो लिमिटेशंस है ऑटोमेटिकली जिसके साथ हमें लीड करना पड़ता है. ये पहले चेक करना पड़ता है कि इस मशीन के अंदर कि ये टास्क जो है ये परफॉर्मेबल भी है कि नहीं है, क्या ये इसको इसका सोल्यूशन भी मिल सकता है कि नहीं. और अगर इनका सोल्यूशन निकल सकता है तो क्या ये सेकेंडली कि एफिशिएंटली भी परफॉर्म हो सकती हैं या फिर नहीं परफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस. ओवरऑल अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है. फॉर्मल लैंग्वेज से मुराद है कि इसको सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी कहते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज को सेमेंटिक लैंग्वेज भी कहते हैं. लेकिन हमने यहाँ पर जब हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं लैंग्वेज उसको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं जो सिमेंटिक से रिलेटेड होती है. सिमेंटिक्स मीन मीनिंग से रिलेटेड, यानी किसी ना कोई उसका मीनिंग निकल सकता हो. जबकि सिंटैक्टिक से मुराद होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो हो रहे हों, कोई सिंटैक्टिकली रूल्स फॉलो हो रहे हों, ग्रामर को फॉलो किया जा रहा हो, उसको हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं. इनकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं. लैंग्वेज से क्या मुराद है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं विद रूल्स, यानी कोई भी स्ट्रिंग होगी और उसमें अगर हम रूल्स को शामिल कर दिया जाए तो वो एक सिंपल सी डेफिनेशन है लैंग्वेज की. ओके. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक लैंग्वेज बनाएं, लैंग्वेज आर स्ट्रिंग डेट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, तो इस तरह की ये लैंग्वेज के अंदर हमने रूल को भी डिफाइन कर दिया है कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएं, एक ऐसी लैंग्वेज की जो है वो एक ऐसी स्ट्रिंग बना लें जो स्टार्ट भी ए से ही हो और एंड भी ए से ही हो. तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक लैंग्वेज के जो है वो स्ट्रिंग्स बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाता है ए आ गया, स्टार्ट और एंड सेम ए पे ही हो रहा है, और डबल ए भी आ गया, ए बी ए आ गया, ए डबल ए बी ए बी ए बी ए, यानी इन सब में देखा जाए, इन सब स्ट्रिंग्स में देखा जाए तो ये सब जो है वो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही हैं और ए पे ही एंड हो रही हैं. अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता है कि जैसे वर्ड है एक स्टडी, ठीक है, ये हम सबको पता है कि इसका क्या मीनिंग है. ठीक. और अब दूसरा वर्ड है डी टी वाई एस यू, ये इस लैंग्वेज का कोई वर्ड नहीं है. ठीक है, ये इसका जो है वो कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास. तो ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ये कनेक्टेड है विद रूल्स एंड मीनिंग्स. ठीक है, इसलिए हम इसको सिमेंटिक कहते हैं. इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज भी कहते हैं और सिमेंटिक लैंग्वेज भी कहते हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, एक और लैंग्वेज है जो स्टार्ट हो रही है डी पर और एंड हो रही है यू पर. अब इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर किया जाए तो ये जो स्टडी वर्ड है, क्योंकि ये तो स्टार्ट हो रहा है एस से और एंड हो रहा है वाई पे, जबकि जो दूसरा वर्ड है वो डी से स्टार्ट हो रहा है और यू से स्टार्ट हो रहा है,
इन दोनों वर्ड्स में से इस लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो कौन सी वाली स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज की आती है? ऑब्वियसली सेकेंड वाली डी टी वाई एस यू, जो स्टार्ट जो है डी सी हो रही है और एंड यू पर हो रही है। ये जो लैंग्वेज है ये कंसर्न होती है विद जस्ट रूल्स एंड सेंटेक्स के, बट नॉट मीनिंग। यहाँ पर मीनिंग जो है वो मैटर नहीं करते, जस्ट हमारे पास रूल्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करना होता है। और इस लैंग्वेज को फॉर्मल लैंग्वेज भी कहते हैं, सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, इस तरह की लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ेंगे, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो इन्हीं लैंग्वेज के ऊपर फोकस करती है। ऐसी लैंग्वेजेस जो डील करती हैं रूल्स के साथ बट नॉट विद दी मीनिंग्स, ठीक है जी। सिंटैक्टिकली उनके ऊपर फोकस किया जा रहा होता है, ऐसी लैंग्वेज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर यूज़ की जाती हैं। अब इन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इस तरह से आपको पता कि इंग्लिश लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह से ही इस लैंग्वेज के भी, इस फॉर्मल लैंग्वेज के भी कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल करेक्टर लेटर्स और इस कार्डन अल्फ़ाबेट, इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर सिग्मा। यानी एक फाइनाइट जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, करेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है, लेकिन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। एक ऐसा सेट ना हो जिसके अंदर जो बिल्कुल जो एम्प्टी हो, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सिंबल लेटर या करेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। उनको हम सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहेंगे, और जिसको हम डिनोट करेंगे ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्मा इज़ इक्वल टू, अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, एंड सिग्मा इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वन। आपको पता है कि ज़ीरो एंड वन जो है वो लैंग्वेज ये इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करता है। ज़ीरो वन मशीन लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एक और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं सिग्मा इज़ इक्वल टू आई जे एंड के, ठीक है। यानी कोई भी आप जो है वो अल्फ़ाबेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है अल्फ़ाबेट्स की, कि अल्फ़ाबेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, करेक्टर्स या लेटर्स होते हैं जिनको हमने ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करना है। और देन नेक्स्ट समझाते हैं, अ सर्टेन वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज एज होल हैज़ 113 लेटर्स, और सिग्मा इंक्लूड्स, सिग्मा के अंदर जो है ना हमारे पास यानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आपके आ सकते हैं, अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स आ सकते हैं सच एज सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स सच एज गो टू एंड आई एफ, एंड इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। आप उनको एज एन अल्फ़ाबेट बना सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग। अच्छा, जिस तरह से आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए टू जी, ए बी सी डी, ठीक है, ये उनकी कम्बिनेशन के साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग्स जनरेट होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उनके कम्बिनेशन के साथ जो है वो कोई स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं, कंकैटिनेट अगर हम कर लेते हैं उन सिम्बल्स को, तो कोई ना कोई स्ट्रिंग हमारे पास बन जाती है, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन क्या है, कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिम्बल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि डॉट्स मिलकर जो है वो कंकैटिनेट होकर एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है स्टडी की एग्जांपल ले लेते हैं, एस टी यू डी वाई, स्टडी है एक प्रॉपर जो है वो इसकी एक वर्ड है जिसको हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग चेंज कर दें तो ये लेटर जो है, ये वर्ड जो है, जिस तरह से पहले हमने एग्ज़ाम्पल में देखा था, इस एग्ज़ाम्पल में देखा है डी टी वाई एस यू, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन ये वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। और ये जो कंकैटिनेशन है, बल्कि हम इसको इस तरह से कहेंगे कि जो कंकैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हमारे वर्ड होंगे, और ये जो है वो ये दोनों जो है स्ट्रिंग हैं, और इनमें हम फर्दर देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि वर्ड कौन सा, स्ट्रिंग कौन सी है। ओके, तो कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है जी। यानी कोई भी आपने सिंबल्स को जब इकट्ठा कर दिया है, करेक्टर्स को इकट्ठा कर दिया, तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। अब दूसरी जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ सिग्मा इज इक्वल टू, अगर आपके पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी है, देन ए है, इसमें से स्ट्रिंग जो है वो कोई भी जनरेट कर सकते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स। सो स्ट्रिंग कैन बी ए ए बी ए बी ट्रिपल ए डबल बी ए बी ए बी ए बी एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। कोई भी हम इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग्स बना सकते हैं।
क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया, तो हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे मर्ज़ी जो है वो स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है एम्प्टी स्ट्रिंग्स और नल स्ट्रिंग। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज यूज डिनोटेड बाई स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा और कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा। इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। अच्छा, अब स्ट्रिंग से क्या मुराद? सी, स्ट्रिंग जो है वो कोई भी नल स्ट्रिंग भी हो सकती है या एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है। एम्प्टी स्ट्रिंग मीन कि इसके अंदर कोई भी करेक्टर जो है, कोई भी अल्फाबेट्स मौजूद नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग इसमें से नहीं बनी, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग कहेंगे या फिर नल स्ट्रिंग कहेंगे। कैपिटल लेटर लैम्डा विल मोस्टली बी यूज इन टू डिनोट दी एम्प्टी स्ट्रिंग। इन फर्दर डिस्कशन हम इसमें देखेंगे कि इस तरह से लैम्डा को हम यूज़ करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सॉरी, उसके बाद आते हैं वर्ड्स। ओके, अब जो वर्ड्स हैं, हमने स्ट्रिंग में देखा है कि कंकैटिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स को या डिफरेंट लेटर्स को स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन वर्ड्स भी एक्चुअली होते यही हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा। वर्ड्स आर द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया कि वर्ड्स वो चीज़ें होती हैं जो उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अब हम अपनी एग्जांपल पर वापस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की जो हमने एग्जांपल ली थी, यानी अगर वर्ड के अकॉर्डिंगली देखा जाए, वर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसी स्ट्रिंग जो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती हो, तो स्टडी जो कीवर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ठीक है, डी टी वाई एस यू ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, तो ये इसका जो है वर्ड नहीं है। दूसरी लैंग्वेज की अगर बात कर लेते हैं, जो स्टार्ट हो रही है डी से और एंड हो रही है यू से, अब इसके अंदर स्टडी कोई लेटर नहीं है क्योंकि इसके रूल्स के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं करती। डी टी वाई एस यू ये इस लैंग्वेज के रूल के अकॉर्डिंग है, सो ये इसका वर्ड है। सो इसमें हम जो है वो लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मज़ीद इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ सिग्मा इज़ इक्वल टू एक्स देन लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज, किसी भी एल लैंग्वेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एन एंड एन इज़ फ्रॉम 8, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम एन की जगह पर 1, 2, 3 पुट करके एक्स ही हम वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम जनरेट कर सकते हैं। तो इफ़ एन पावर एक्स एन पावर 1 हो तो एक्स, 2 हो तो डबल एक्स, 3 हो तो ट्रिपल एक्स, अप टू सो ऑन। ये इससे जो वर्ड जो हमें जनरेट होंगे वो इस लैंग्वेज के वर्ड होंगे। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रही हूँ उसको कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग जो जनरेट हो रही हैं एक्स डबल एक्स एंड ट्रिपल एक्स, ये वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज को जो यहाँ पर डिफ़ाइन की जा रही है, जो इस पूरी के अंदर डिफ़ाइन की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से ही हम उस लैंग्वेज के कोई भी जो स्ट्रिंग होता है उस लैंग्वेज को अगर फॉलो करके बने तो वो उस लैंग्वेज का वर्ड कहलाएगा। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। कैसे? क्योंकि कोई भी कंकैटिनेशन जो है लेटर्स की, अल्फाबेट्स की, स्ट्रिंग्स तो हो सकती है लेकिन वो वर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ड उसी के अकॉर्डिंग होगी अगर तो वो उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल के साथ इसमें देख लेते हैं। वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिंबल। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग है सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू बी, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी, बी ए बी एंड डी। और एक और अगर आपके पास अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग है सिग्मा इज़ इक्वल टू बी, कैपिटल बी, बी ए, बी ए बी एंड डी। और हमने क्या किया कि इन्हीं जो दोनों का कीवर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे हमने एक स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग तो हमने जनरेट कर लिया है। स्ट्रिंग आपको पता है कि हम किस तरह से जनरेट करते हैं, विद द कंकैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि अल्फ़ाबेट जो हैं वो वैलिड हैं भी हैं या फिर नहीं है, हमारे पास अगर गिवन है जी ये स्ट्रिंग दी हुई है, अब इस स्ट्रिंग से अकॉर्डिंगली हमने ये देखना है कि जो गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं ये वैलिड हैं या नहीं वैलिड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम टोकनाइज़ करेंगे। टोकनाइज़ का मतलब होता है कि जो जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको
तोड़ के पार्ट्स करके देखते जाएं, टोकनाइज मतलब होता है उसको हमने तोड़ के जो है वो देखना है, ठीक है, टोकन्स बना के देखने हैं। बी, ये अगर हम फर्स्ट में फर्स्ट की बात की जाए तो बी सेपरेट हो जाएगा, देन बी ए बी है, बी ए है इसमें, बी ए बी ए बी देन बी और बी है, देन ए बी एंड बी, ये दो इसकी जो है वो टोकनाइजेशन बन सकती हैं इन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली। यानी इसमें आप देखें सेकंड वाले के अंदर बी है, बी को सेपरेट किया जाए क्योंकि इसके अंदर बी भी है और बी ए भी है, ठीक है जी, बी सेपरेट कर दिया और देन ए बी जी ए बी को सेपरेट कर दिया, बी को सेपरेट कर दिया, ए बी को सेपरेट कर दिया, देन बी को सेपरेट कर दिया। और सेकंड इसकी टोकनाइजेशन देख लेते हैं, बी ए को सेपरेट किया जो कि ये वाला है, और बी ए बी को सेपरेट कर दिया, देन अगेन बी को सेपरेट कर दिया। अब इन दोनों की टोकनाइजेशन ये हमारे पास सामने आ गई हैं, विच शोज डैट। अच्छा, अब इसमें से देखें, पहले वाला जो है ये हमारा सेकंड वाले अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ही है, इसकी जब हमने टोकनाइजेशन की तो ये हमारे पहले इसी की ही अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जबकि ये जो टोकनाइजेशन है ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए बी तो इस अल्फ़ाबेट में है ही नहीं है। सो वी शोज डैट दिस सेकेंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है सेकेंड ग्रुप जो है वो ये इस लैंग्वेज के ऊपर डिफाइंड नहीं होता। अब यहाँ पर इसमें कुछ एक रूल ये भी आता है जिसको हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर में जब हम स्कैन कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स को स्कैन करते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये बहुत याद रखने मिली है कि जब आपने अल्फ़ाबेट्स को क्रिएट करना है तो कोई भी जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। यानी बी है और उसके बाद सेकेंड जो इसका अल्फ़ाबेट है वो बी ए से स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह के ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये जो है इसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई और ये जो स्ट्रिंग है इसका फिर पार्ट नहीं है इस चीज़ों की वजह से। इसी चीज़ को यहाँ इसने डिफाइन किया है, एज वेन दिस स्ट्रिंग इज स्कैंड बाई द कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट सिम्बल बी इज़ आइडेंटिफाइड as a letter belonging to sigma, while for the second letter the lexical analyzer would be able to identify. So while defining an alphabet it should be kept in mind that ambiguity should not be created. इसी ambiguity की बात हो रही है कि हमारे पास जो है वो alphabets इस तरह के नहीं create होने चाहिए कि दोनों एक ही letter के साथ start हो रहे हों, ठीक है जी। अगेन इसको देख लेते हैं कि वाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सिंपल नो लेटर शुड बी स्टार्ट विद द लेटर ऑफ द सेम अल्फ़ाबेट। अगेन वही बात कर रहे हैं, वन लेटर शुड नॉट बी द प्रीफिक्स ऑफ द अदर, एक लेटर को दूसरे लेटर का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। प्रीफिक्स का आपको मतलब पता ना कि जो इसके स्टार्टिंग में आ रहा होता है, कोई भी एक लेटर है उसको दूसरे का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। ये लेटर है तो इसको इसका प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। However, a letter may be end in the letter of the same alphabet. One letter may be suffix of another. अच्छा, यहाँ पर suffix जो है वो किसी दूसरे letter का हो सकता है लेकिन prefix नहीं होना चाहिए। Suffix होता है कि जो उस letter के बाद में आए, ठीक है। So conclusion हमारे पास क्या हुई कि जो दो हमने alphabets को create किया था उसमें से lambda summation 1 जो है वो हमारे पास valid alphabets हैं, जबकि जो summation 2 है वो invalid alphabets हैं। दोबारा देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर इस चीज़ ने एम्बिग्यूटी क्रिएट की। हम यहाँ पर रूल्स को पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो अल्फ़ाबेट्स को सेम जो है वो करेक्टर से सेम लेटर के साथ रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, या उसका प्रीफिक्स जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं। डेफिनेशन है कि अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को देखना हो तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डिनोट एक पहली बात तो की जाती है यहाँ से उसका मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से एस एंड मॉड इज़ द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग इन द नंबर ऑफ द लेटर्स इन द स्ट्रिंग।
कि टोटल उस स्ट्रिंग के अंदर कितने जो है वो लेटर्स कितने हैं। ये अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं हो रही बल्कि ये स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं ए एंड बी है और उससे आपने एक स्ट्रिंग को जनरेट किया है ए बी ए बी एंड ए। अब इसकी अगर आपने जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेक करनी हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस मॉड के साथ। वो टोटल इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 टोटल करेक्टर्स हैं। तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई, 5। ओके, अब अगेन एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट हैं बी ए बी बी ए बी एंड डी, ओके, अब उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट है। स्ट्रिंग भी आपको गिवन है, अल्फ़ाबेट्स भी गिवन है। अब इसकी हम टोकनाइजेशन इन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर टोकनाइजेशन की जाए तो अब आपने टोकनाइजेशन करनी कैसे है, आपने ये देखते जाना है स्ट्रिंग को रीड करते हुए कि इसमें से ये कौन सी वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है। जैसे कैपिटल, जैसे बी है फर्स्ट इसका करेक्टर है, तो बी इसको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि ये अल्फ़ाबेट का पार्ट है बी। देन कॉमा ए बी भी इसका पार्ट है, सो ए बी को सेपरेट कर दिया। और देन बी ए बी इसको रीड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या इसका कौन से वाला जो अल्फ़ाबेट है वो इस लैंग्वेज का है। बी ए बी को सेपरेट कर दिया, देन यहाँ पर बी भी आना चाहिए जो आई थिंक सो मिसिंग हो गया। बी बी आना चाहिए और देन डी, तो बी को यहाँ पर अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। टोटल जो है वो टोकनाइजेशन 5 हो जाएगी, 1 2 3, देन यहाँ पर ये बी और कैपिटल बी और देन ये डी, टोटल यहाँ पर टोकनाइजेशन 5 होगी। ओके, उसके बाद आती है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स से क्या मुराद होता है, रिवर्स हम कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को जो है वो रिवर्स कर दें, जैसे आपका नेम है नेम को रिवर्स कर दिया जाए। इसी तरह से ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग भी है कि जो स्ट्रिंग लिखी हुई है हमने उसको रिवर्स कर देना है। अगर एक देखा जाए ए बी सी है, ठीक है, इसको अगर रिवर्स किया जाए तो सी बी ए आ जाएगा। लेकिन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस तरह से है इसको हम देख लेते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोट बाय आर ई वी एस और एस रेज्ड बाय आर इज डिनोटेड बाय राइटिंग द लेटर ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं कि अगर आपके पास ए बी सी एक स्ट्रिंग है डिफाइंड ओवर ए बी एंड सी। अगर कोई भी ए बी सी जो है आपके पास स्ट्रिंग है तो जो डिफाइंड हो रही है ओवर द अल्फाबेट्स ए बी एंड सी, देन रिवर्स इसका क्या आएगा, सी बी ए आएगा। रिवर्स एस रेज टू पावर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके एक और एग्जांपल, इतने यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है। ये तो छोटी सी सादी सी एग्जांपल थी, लेकिन अगर हम इसे आगे जाते हैं तो एक स्ट्रिंग हमारे पास आई है जो जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल बी ए कैपिटल बी बी ए बी एंड देन डी। अब इसी एक स्ट्रिंग बनी है बी ए बी बी ए बी बी डी। अब इसको हमने क्या करना है, इसके हमने पहले टोकनाइजेशन करनी है। टोकनाइजेशन किस तरह से होगी, जैसे बी है इसको स्ट्रिंग पर जब हम रीड करेंगे तो बी को सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये इसका अल्फ़ाबेट है, इसमें बी है। देन ए बी भी है, ए बी इसका अल्फ़ाबेट है, ए बी को सेपरेट कर दिया। देन बी ए बी इस ये जो है अल्फ़ाबेट है बी बी को सेपरेट कर दिया, देन बी को सेपरेट कर दिया, देन डी को सेपरेट कर दिया। अब ये जब सब करेक्टर्स हैं, ये इन सबको इस स्ट्रिंग को हमने अल्फ़ाबेट्स में टोकनाइज कर दिया है। अब इसको रिवर्स कैसे करना है, इसको हमने अब अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब सॉरी अल्फ़ाबेटिकली नहीं अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हमने इसको रिवर्स करना है। जैसे डी है, डी को क्या टोकनाइज किया तो डी पहले आ जाएगा, देन ये बी आ जाएगा और फिर ये पूरा बी ए बी आएगा, बी ए बी एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब इसे मज़ीद नेक्स्ट वाले से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट टोकनाइजेशन हमने की थी तो ए बी था, ठीक है, तो ए बी पूरे का पूरा एज इट इज़ ही आएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि बी ए कन्वर्ट नहीं इसको कर देना, बल्कि जो आपके पास ये होगा अल्फ़ाबेट होगा उसको एज इट इज़ ही आपने रखना है। ए बी अगर आपकी टोकनाइजेशन हुई है तो आपने ए बी को एज इट इज़ ही उठा के ए बी में रखना है, देन आपके पास बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। आपने जो अल्फ़ाबेट्स एक्चुअली जो होंगे उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उनको वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन स्ट्रिंग को आपने रिवर्स करना है। स्ट्रिंग को रिवर्स करते हुए आपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं
उनके अरेंजमेंट को ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो कम्प्लीट हुआ।